अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हुए हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 9 सिंध बोर्ड की ये वीडियोस हैं। एक्सरसाइज 5.3 हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, एग्जाम्स के लिहाज से, क्योंकि ये क्वेश्चन लाजमन पेपर में अपेयर होते हैं। अब आपके पास क्या है, आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है। आपने नंबर्स का स्क्वायर रूट तो मालूम किया होगा। 25 का रूट क्या होता है आपके पास, आपको पता है 5 होता है। इसके अलावा अगर 100 आ जाए तो आपको पता है 10 होता है। लेकिन अगर किसी उसमें किसी भी रूट के अंदर कोई वेरिएबल आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट किस तरीके से मालूम करते हैं, वो तरीक़ेकार आप यहाँ पर अपनाएंगे कि हम किस तरीके से कोई स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है, इसका हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्वायर रूट बना लेंगे इस तरह से। अब ये जो नंबर है पूरे, इसको आप क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर पुट कर देंगे। ये आपके पास लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, सिंपल, तमाम क्वेश्चंस एक ही तरीके से होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने किसी ना किसी टेबल को अप्लाई करना है, किसी नंबर को अप्लाई करना है, किसी वेरिएबल को क्या करना है, आप जिसका टेबल पढ़ते हैं आपने उसी तक पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक्स एक्स की पावर 4 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर का टेबल एक्स स्क्वायर तक पढ़ूंगा। जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे, जिसका टेबल पढ़ेंगे उसी तक पढ़ेंगे। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 आपके पास आ जाएगा। इसके बाद जो नंबर आप यहाँ लिखते हैं उसको आप यहाँ पर अगेन लिखते हैं। आप इस नंबर को यहाँ ऐड कराएंगे एंड यहाँ क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे। सब्ट्रैक्शन से ये नंबर घट जाएगा। इसको जब आप ऐड कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएंगे आपके पास 2 एक्स स्क्वायर। ये आपके पास बच गया 2 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1। अब आपको चाहिए 2 तो हमारे पास है, आपको चाहिए एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर हमारे पास है, सिर्फ एक एक्स की नीड है। उस एक्स को आप यहाँ भी लिखेंगे, उस एक्स को आप यहाँ भी लिखेंगे। अब इन दोनों नंबरों का क्या करेंगे, इस तक पढ़ेंगे, इस एक्स तक पढ़ेंगे दोनों नंबर्स का। जब आप 2x स्क्वायर को x तक पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, जब आप x को x स्क्वायर तक पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। और जो x यहाँ लिखेंगे उसको यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, कैंसल। साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 2x स्क्वायर, और ये 2x को लिखा सेम और ये 1 को लिखा सेम। इसके बाद यहाँ पर आपके पास लिखा होगा 2x स्क्वायर x प्लस x, ये आपके पास हो जाएगा 2x। अब हमें क्या चाहिए, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर तो हमारे पास है, सिर्फ फर्स्ट नंबर को देखना है कि वो हमारे पास है या नहीं है, उसको बनाने के लिए क्या तरतीब करनी है, क्योंकि बाकी नंबर ऑटोमेटिकली आपके अपेयर हो जाएंगे, बन जाएंगे। अभी हमें 2x स्क्वायर चाहिए, हमारे पास 2x स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर ही रहे तो हम क्या करें, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। उस 1 को क्या करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। अब जब इस पूरे नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर को 1 से कराएंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये आपके पास हो जाएगा 2x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा आपके पास 1। इसके बाद क्या करते हैं आप, इसके बाद आप यहाँ साइन चेंज करते हैं, कैंसल, साइन चेंज करते हैं, कैंसल, साइन चेंज करते हैं, कैंसल। तो आपके पास जो आंसर आया है वो आपके पास आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मतलब अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास ये आता है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं बआसानी, सिंपल मेथड से। इस तरीके से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत कीमती इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। हमारे चैनल के अंदर मैट्रिक, सिंध बोर्ड, मैट्रिक फेडरल बोर्ड, 9 फेडरल बोर्ड, 9 सिंध बोर्ड, फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड, सेकेंड ईयर सिंध बोर्ड,
एंड फेडरल बोर्ड मीन्स के मैथ्स के ग्रेड 9 टू सेकंड ईयर हमारे पास सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड की वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये क्वेश्चंस हमारे पास 5.2 5.3 से गिवन है, एक्सरसाइज 5.2 5.3 से गिवन है सिंध बोर्ड क्लास 9। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर गिवन है, परफेक्ट स्क्वायर में दो अननोन वेरिएबल्स आ चुके हैं। अब उसको हम किस तरीके से निकालें कि भाई पी की वैल्यू क्या है एंड क्यू की वैल्यू क्या है। तो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर को लिखेंगे इसके अंदर 8x क्यू प्लस 30x स्क्वायर प्लस px प्लस क्यू। अब क्या करना है आपने, आपके पास आपको बिल्कुल लास्ट वीडियो की तरह बिल्कुल वैसे उसी क्वेश्चन की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको चाहिए x की पावर 4। हम क्या क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जिस नंबर का टेबल पढ़ते हैं उसी तक पढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, उस एक्स स्क्वायर को यहाँ भी लिखना है, लाइन लगानी है एंड आपने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने 8x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस px प्लस क्यू को आपने नीचे उतार देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको चाहिए 8x क्यूब, आपके पास 2 है, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। एंड x की पावर 3 चाहिए हमें, हमारे पास x स्क्वायर है तो हम 1x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा क्यू। अब जो चीज हम यहाँ लिखते हैं ना उसको हम यहाँ भी लिखते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का आपने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले देखें, जब हम 2x स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 8x क्यूब। इसके बाद जब आप 4x को 4x से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपके पास हो जाएगा 16x स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है आपने इसके बाद साइन चेंज कैंसल, साइन चेंज 30x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर जाएगा तो 14x स्क्वायर बचेगा प्लस px प्लस क्यू। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको चाहिए 14x, हमारे पास से 2x स्क्वायर प्लस 44x, हमारे पास 14 चाहिए, हमारे पास 2 है, 2 को क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 को क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, ये जो 7 हम यहाँ लगाते हैं उस 7 को हम यहाँ भी लगाते हैं। अब आप क्या करेंगे, इन तमाम नंबरों को आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले किस तरह, आपने 2x स्क्वायर को 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है तो ये हो जाएगा 14x स्क्वायर, आपने 4x को 7 से मल्टीप्लाई कराना है तो ये हो जाएगा 28x, आपने 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराना है तो ये हो जाएगा 49। इसके बाद आपने क्या करना है, साइन चेंज करनी है, कैंसिल कर देना है साइन चेंज और ये साइन चेंज। अब आपके पास यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ पर आपके पास रह जाएगा px माइनस 28x और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा q माइनस 49। अब आपने क्या करना है, आपको नजर आ रहा है यहाँ से x क्या है, कॉमन है, p माइनस 28 प्लस q माइनस 49। अब आपको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्वेश्चन ने बता दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई होता है तो उसका लास्ट में आंसर जीरो आता है। अब इसका मतलब ये है कि ये चीज जो है ये जीरो है, जीरो है तो आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे p माइनस 28 को जीरो के इक्वल, तो p जब उधर 28 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 28। बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या करेंगे, लेट करेंगे कि q माइनस 49 जो है वो जीरो के इक्वल है, आप 49 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 49। हमने इसको जीरो के इक्वल इसीलिए लेट किया क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास होता है उस परफेक्ट स्क्वायर का आंसर हमेशा लास्ट में जीरो आता है, ये जीरो नहीं है, जीरो अगर नहीं है तो इट्स मीन कि ये जीरो के इक्वल है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम हर नंबर को जिसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी होती है हम उसको क्या करेंगे,
जीरो के इक्वल ले लेंगे। इस तरीके से आप किसी भी अननोन वेरिएबल अननोन की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करके आपको मुस्तफीद कर सकें।